मोदी सरकार से किसानों को मिली खुशखबरी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के इजाफा किया। ये बढ़ोतरी सोयाबीन, तूर दाल समेत सूरजमुखी की कीमतों में किया गया है। इससे किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सोयाबीन की कीमतों में 311 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जबकि सूरजमुखी की कीमत में 262 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली के हौज कासी इलाके में बीते दिनों में एक स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद पैदा हुआ है। इस मसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया। अमित शाह ने मामले पर फटकार लगाते हुए नाराजगी जताई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल पटनायक ने पूरे हालात की जानकारी अमित शाह को दी। वहीं पुलिस कमिश्नर ने मामले में पुलिस अपना काम कर रही है, चार लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफे पर चल रहे सस्पेंस को राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। राहुल ने पहले मीडिया और फिर ट्विटर पर आकर साफ कर दिया है, अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। राहुल ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन है, इसका फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी करेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी को बिना किसी देरी के जल्द ही नया अध्यक्ष का चुनाव कर लेना चाहिए, लेकिन वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। वहीं राहुल ने कहा है कि सीडब्ल्यूसी को जितना जल्दी हो सके ये बैठक बुलानी चाहिए और फैसला लेना चाहिए। वहीं पार्टी का नया अध्यक्ष चुने जाने तक सीनियर नेता और महासचिव मोतीलाल वोरा अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे। हालांकि मोतीलाल वोरा ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में जस्टिस पांडे ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। जस्टिस पांडे ने पत्र में लिखा है कि न्यायपालिका वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह से ग्रस्त है। यह न्यायाधीश के परिवार सदस्य होने के अगला न्यायाधीश होना सुनिश्चित करता है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में हमारे पास कोई निश्चित मापदंड नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसको लेकर संजय सिंह ने दिल्ली में संसद मार्ग थाने में केस दर्ज कराया है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। संजय सिंह ने बताया है कि उनके फोन पर कॉल पर गाली गलौज करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल और उन्हें मारने की धमकी दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चों की लगातार हो रही मौत के मामले में बिहार में सियासत गरमाई हुई है। बच्चों की मौत के मामले में बिहार सरकार की ओर से विपक्षी दलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आरजेडी ने हलफनामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि बिहार सरकार संवेदनहीन है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हलफनामे में सरकार ने माना है कि बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। राज्य स्वास्थ्य विभाग में कम से कम 50% पद खाली हैं। बिहार विधानसभा में बिहार सरकार की तरफ से सभी विधायकों और विधान पार्षदों को आम और आम के पेड़ दिए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इसे पर्यावरण और परिवर्तन के मुद्दे से जोड़कर देख रहा है, तो विपक्ष इस मामले पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वहीं राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। राबड़ी देवी ने कहा है कि जो ये आम खाएगा उसे हाई लगेगी।
वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि राज्य में चमकी बुखार से बच्चों की मौत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार आम बांटकर ध्यान भटकाने की कोशिश में जुटी है। जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा माहौल को देखते हुए परिवार सहित देश छोड़कर बाहर चले जाने का मन करता है। पप्पू यादव के मुताबिक यहां के राजनीतिज्ञों ने आम जनता को जीने के अधिकार छीन लिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सदन में विकास का मुद्दा छोड़कर जय श्री राम, अल्लाह अकबर, जय भीम जैसे नारे लेकर शपथ ली जाती है। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए सभी लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें मुन्ना बजरंगी की पिछले साल बागपत जेल में फायरिंग कर हत्या हो चुकी है। बिहार के बाद असम में जापानी इंसेफेलाइटिस से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 लोगों की अभी भी असम में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार ने नेतृत्व में 4 सदस्य टीम गुवाहाटी पहुंची है, जहां जापानी इंसेफेलाइटिस की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। साथ ही रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से कट बनी यानी एक तरफ से कमीशन लिए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सिलीगुड़ी में स्थानीय व्यापारियों ने अनिश्चित समय के लिए अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। वार्ड नंबर 37 के पार्षद रंजन शील शर्मा ने के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पार्षद ने इनसे कट मनी के रूप में रिश्वत मांगी है। केवल इतना ही नहीं, विरोध कर रहे स्थानीय व्यापारियों ने सड़कों को जाम किया और टायर जलाकर आगजनी भी की। बीजेपी नेता जयप्रदा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर एसपी नेता आजम खान बुरी तरह से फंस गए हैं। रामपुर से सांसद आजम खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता जयप्रदा के करीबी मुस्तफा हुसैन ने सिविल लाइन थाने में मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में आजम खान, एसटी हसन, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला समेत 7 लोगों के नाम हैं। बिहार में वैशाली के सराय में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जहां रंगे हाथ पकड़े जाने पर एक चोर की आक्रोशित ग्रामीणों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने मौके से एक ताला तोड़ने वाला औजार भी बरामद किया। घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यूपी के बरेली में एक युवक युवती ने दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया है और विरोध करने पर उनकी डंडे लाठियों से पिटाई भी की गई। तमाशबीन लोग खड़े होकर घटना का वीडियो बनाते रहे। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डैम के नीचे बसे 7 गांव में बाढ़ आ गई। इस घटना में लगभग 17 लोग लापता हो गए, जबकि 9 लोगों का शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने राहत ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिला प्रशासन की राहत टीम ने 2 पुरुषों के शव बरामद किए हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में 19 जून की रात बदमाशों ने गार्ड के सामने बंदूक की नोक पर एक स्कूटी सवार से लूटपाट की, हालांकि बाद में दोनों बदमाश पकड़ लिए गए।
अलीगढ़ के कुआरसी क्षेत्र में के रामघाट रोड से लड़कियों की दबंगई का मामला सामने आया। रामघाट रोड पर लड़कियों ने बाइक पर आ रहे दो लड़कों को पिस्टल दिखाते हुए रोका और फिर उनसे बदतमीजी भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़कियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कैमरे में के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। यूपी के लखनऊ में स्वास्थ्य भवन में फायरिंग का मामले में आरोपी की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वास्थ्य भवन के कर्मचारियों ने आरोपी स्टेनो श्रीनिवास की लात घूंसों से जमकर पिटाई की। हालांकि इसके बाद स्वास्थ्य भवन में फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी श्रीनिवास को हिरासत में ले लिया। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार स्टेनो श्रीनिवास ने फायरिंग क्यों की। मुंबई में चौथे दिन भी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से मॉनसून का असर कुछ कम हो सकता है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि सभी को दो दिन तक सचेत रहने की जरूरत है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने कहा है कि 3 से 5 जुलाई के बीच मुंबई में फिर बाढ़ आ सकती है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में बारिश से मरने वालों की संख्या 43 पहुंच गई है। मुंबई के मलाड में दो लोगों की मौत कार में ही हो गई। मुंबई में भारी बारिश के चलते घर में बिना बिजली के अंदर फंसी अस्थमा पीड़ित महिला को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने महिला को जल भराव की वजह से नाव की मदद से बाहर निकाला। वाराणसी में मोहन सराय क्षेत्र के एक शिव मंदिर में दो युवतियों की शादी का मामला सामने आया है। दोनों ने एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर साथ जीने मरने की कस्में खाई। मंदिर के पुजारी ने कहा कि एक ऑटो में दो युवतियां आई, दोनों जींस और टी शर्ट पहन हुई थी। मंदिर में आते ही दोनों ने पहले पूजा अर्चना की। करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण को लेकर भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच 14 जुलाई को द्विपक्षीय वार्ता होगी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को इसकी जानकारी दी। इस दौरान कॉरिडोर निर्माण में आ रही तकनीकी खामियों पर भी चर्चा होगी। रूस नौसेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन करने वाली पनडुब्बी में लगी आग। आग लगने से चालक दल समेत 14 सदस्यों की मौत हो गई। घटना के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है। दुर्घटना के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण सभी 14 नौसैनिकों की मौत हुई। लंदन में मंगलवार को प्रत्यर्पण के मामले से में अदालत ने विजय माल्या को राहत देते हुए प्रत्यर्पण रोकने की अपील मंजूर कर दी है। साथ ही ट्विटर पर माल्या ने कहा है कि वो सारे पैसे लौटाने को तैयार है। यूरोपीय यूनियन अपने प्रेसिडेंट का करेगा चुनाव। जर्मनी की रक्षा मंत्री यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष पद के लिए वो नामित है। सबकी सहमति के बाद बन सकती हैं अध्यक्ष। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर की कार्रवाई, आतंकी संगठन घोषित किया। साथ ही बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कर एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। पाकिस्तान सरकार की वित्त नीतियों के खिलाफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में सरकारी कर्मचारियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार से सामान्य प्रोत्साहन और अन्य भत्तों की मांग की। लीबिया में एक हिरासत केंद्र पर हुआ हवाई हमला, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। हमलावर का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि बैंक धोखाधड़ी मामले में 2018-19 में आई है कमी। देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन की रॉयल कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की इजाजत दे दी है। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि गॉड इज ग्रेट। माल्या ने यह भी कहा है कि मैं बैंकों का पैसा वापस करने के प्रस्ताव देना चाहता हूं, कृपया पैसा वापस ले लें, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। क्रूड ऑयल की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। क्रूड में निवेश करने का यह अच्छा मौका है।
एनसीएलएटी की अगली सुनवाई में जेपी इंफ्रा के लिए एनबीसीसी की बोली में हो सकता है संशोधन। ये देखा जाएगा कि सभी पक्षों और खासकर घर खरीदारों के लाभ के लिए एनबीसीसी की बोली में क्या संशोधन किया जा सकता है। डूबते बीएसएनएल और एमटीएनएल को बचाने के लिए सरकार कर रही है 74,000 करोड़ रुपए के बेलआउट पैकेज पर विचार। इसके अलावा सरकार 4G स्पेक्ट्रम और पूंजीगत खर्च में भी पैसे देगी। पिछले 6 महीने के दौरान टाटा मोटर्स की केवल 1 नैनो कार की बिक्री हुई है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खराब हालत को लेकर चिंता पैदा कर दी है। टाटा मोटर्स ने इस साल जनवरी से एक भी नैनो कार का प्रोडक्शन नहीं किया। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। वहीं सेंसेक्स करीब 23 अंक चढ़कर 39,839 के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 69.22 के स्तर पर खुला। देश के रियल एस्टेट सेक्टर पर इस बार बजट में खास नजर हो सकती है। साल 2022 तक हर परिवार को उसका अपना मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सस्ती आवासीय इकाइयों को बढ़ावा देने और जोर दिया जा सकता है। दिल्ली समेत सभी महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 70.91 तो वहीं डीजल 64.33 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। केवाईसी नॉर्म्स का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने पीएनबी सहित 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया। आरबीआई ने 1.75 करोड़ का बैंकों पर जुर्माना लगाया। ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए जियो कंपनी कर रही है बड़ी तैयारी। कंपनी लेगी 3500 करोड़ का लोन। सैमसंग भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या में करेगा छटनी। भारत में 1000 लोगों की करेगा छटनी। चीन की कंपनी रियलमी का एक और स्मार्टफोन जल्द भारत में लॉन्च होने जा रहा है। यह स्मार्टफोन रियलमी एक्स है। रियलमी इंडिया के सीईओ माधव सेठ ने ट्वीट करके घोषणा की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा है कि एयर इंडिया का निजीकरण किया जाएगा। एयर इंडिया को चलाना अब असंभव है। प्रतिदिन 15 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की धीमी पारी की लगातार क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस आलोचना कर रहे हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वर्ल्ड कप के ठीक बाद पूर्व कप्तान धोनी अंतर्राष्ट्रीय वनडे और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के मौजूदा टूर्नामेंट के रिकॉर्ड 34 शतक और उम्दा गेंदबाजी से भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हराकर विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। बर्मिंगम में बांग्लादेश को हराने के साथ भारतीय टीम की जगह सेमीफाइनल में पक्की हो गई है। इसको लेकर टीम इंडिया काफी खुश भी नजर आई। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक भारतीय टीम के फैन के साथ उस दौरान मस्ती मूड में दिखे और जीत के पल को कुछ इस तरह से अनोखा बनाने की कोशिश की। भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश्वर गुणेश्वर पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं। साथ ही आगामी डेविस कप मुकाबले में खेलने के लिए अपने एटीपी रैंकिंग दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के पहले दौर में हारे थीएम। पहले ही दौर में हुए बाहर। गोवा के मारदौल इलाके में फुटबॉल से खेलती हुई एक गाय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे सोशल मीडिया में खूब पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो को क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। भारत आईबीएसएफ स्नूकर विश्व कप में फाइनल में चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 1-3 से हार गया। भारत की शुरुआत खराब रही।
कैनेडा ओपन बीडब्ल्यूएफ टूर सुपर 100 में हिस्सा लेंगे 20 बिसाई प्रणित और प्रणय। क्वालिफायर के साथ शुरू हो रही चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के इरादे के साथ उतरेंगे भारतीय शटलर। विंबलडन ओपन की सबसे युवा क्वालिफायर 15 साल की कोरी गॉफ ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रचना चाहती हैं। इससे पहले ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के पहले दौर में ही उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। मशहूर रैपर योयो हनी सिंह ने अपने एक हालिया गाने की वजह से विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। हनी सिंह ने गाने को लेकर पंजाब राज्य महिला आयोग बेहद नाराज है। महिलाओं के ये कथित अश्लील लाइनों को लेकर महिला आयोग ने पुलिस में केस दर्ज किया है। पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह का आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। भारती के पति हर्ष ने उनके बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए कलर्स के शो खतरा 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 के सेट पर सरप्राइज बर्थडे पार्टी थ्रू की। बॉलीवुड के एक और निर्देशक डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है। कहानी और बदला जैसी फिल्मों के निर्देशक कर चुके सुजाय घोष नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज में काम करेंगे। सीरीज का टाइटल टाइपराइटर है। इसका पहला लुक आउट हुआ। भोजपुरी सेंसेशन मोनालिसा एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ अच्छी डांसर भी है। मोनालिसा ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। लोगों को मोनालिसा का यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है। सुष्मिता सेन ने अपने बॉयफ्रेंड और बेटी संग एक नया वीडियो शेयर किया है। वीडियो में तीनों स्विमिंग पूल में नजर आ रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर कबीर सिंह की कमाई के तूफान के बीच आर्टिकल 15 की शानदार कमाई। आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म भारतीय बाजार में अब तक 27.68 करोड़ की कमाई कर चुकी है। अब टीवी पर आने वाला कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री दया बैन कॉमेडी किरदार निभाते हुए नजर नहीं आएंगी। की हिट फिल्मों में से एक पति पत्नी और वो के रीमेक शूटिंग में 9 जुलाई से लखनऊ में शुरू होगी। फिल्म में भूमि पडनेकर और अनन्या पांडे भी नजर आएंगी। सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन का एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय गाने लगावे लू जब लिपस्टिक पर डांस करते नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा फिल्म जबरिया जोड़ी के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे। टीवी कपल रवि और सरगुन मालदीव में मना रहे हैं छुट्टियां। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। तनुश्री दत्ता ने जायरा वसीम के निर्णय को सही बताया। उनसे निवेदन किया है कि वह बच्चों को अल्लाह और कुरान का सही मतलब बताएं। जारा खान ने सोशल मीडिया पर अकाउंट हैक होने की अफवाह की सफाई देने के लिए किया ट्वीट, फिर से हुई ट्रोल। बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अनन्या पांडे को मुंबई में स्पॉट किया गया, जिसमें अनन्या मुंबई की बारिश का पूरा मजा लेती नजर आ रही हैं। उस दौरान उन्होंने सो पॉजिटिव साइन की टी शर्ट पहनी हुई थी।